सभी मानव में गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 46। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 46। नेक्स्ट, वक्र नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्वसन किस हार्मोन के नियमन से होता है? ऑप्शन एक ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एंजियोटोसिन, ऑप्शन सी रेनिन, ऑप्शन डी वेसोप्रिन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वेसोप्रिन। नेक्स्ट, जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जित अंग पाए जाते हैं। जंतुओं को उनके सही उत्सर्जित अंगों से मिलान कीजिए व सही विकल्प को चुनिए। तो प्लेनेरिया का संबंध है ज्वाला कोशिकाओं से, और केचुआ का वक्रक से, और कॉकरोच का मेलफिगी नलिकाओं से, और फ्रॉन का श्रृंगा ग्रंथियों से। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन्स की एक जातीय श्रृंखला से संबंधित है? ऑप्शन ए C6H6, ऑप्शन बी C2H6, ऑप्शन सी C2H4, ऑप्शन डी C3H4। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, C3H4। नेक्स्ट, निम्न में से किसका जड़त्व तो सबसे ज़्यादा होगा? ऑप्शन ए साइकिल का, ऑप्शन बी स्कूटर का, ऑप्शन सी कार का, ऑप्शन डी ट्रक का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रक का। नेक्स्ट, एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए धारा के रासायनिक प्रभाव पर, ऑप्शन बी धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ऑप्शन सी धारा के प्रकाशकीय प्रभाव पर, ऑप्शन डी धारा के तापीय प्रभाव पर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, धारा के तापीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, आंत्र संश्लेषण उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती है? ऑप्शन ए मुख्य कोशिकाएं, ऑप्शन बी गॉलब्लैडर कोशिकाएं, ऑप्शन सी पेप्टिक कोशिकाएं, ऑप्शन डी ऑक्सीजेंटिक कोशिकाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गॉलब्लैडर कोशिकाएं। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर उतरे थे? ऑप्शन ए जुलाई 1969, ऑप्शन बी सितंबर 1969, ऑप्शन सी जुलाई 1970, ऑप्शन डी सितंबर 1970। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, जुलाई 1969 में। नेक्स्ट, जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है? ऑप्शन एक जिंक हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम, ऑप्शन बी सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन सी सोडियम जिंक ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी सोडियम जिंकेट तथा जल। तो इसका ऑप्शन नंबर दो सही हो जाएगा, सोडियम जिंकेट तथा हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है? ऑप्शन एक 20,000 किलोमीटर, ऑप्शन बी 26,000 किलोमीटर, ऑप्शन सी 30,000 किलोमीटर, ऑप्शन डी 36,000 किलोमीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट, एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2π rads/s है, तो उसका आवर्तकाल होगा? ऑप्शन ए 0.55 सेकेंड, ऑप्शन बी एक सेकेंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन डी π सेकेंड। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 सेकेंड। नेक्स्ट, किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करता है? ऑप्शन ए भुजा हुआ चूना, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कास्टिक चूना, ऑप्शन डी बेकिंग इन पकाने वाला सोडा। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, भुजा हुआ चूना। जब दो समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध होगा? ऑप्शन एक 3 ओम, ऑप्शन बी 6 ओम, ऑप्शन सी 9 ओम, ऑप्शन डी 12 ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, 3 ओम। नेक्स्ट, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2π का पूर्णांक गुणज है? ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा की त्रिज्या का, परमाणु की त्रिज्या का, ऑप्शन सी स्थितिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी कोणीय संवेग का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कोणीय संवेग का। नेक्स्ट,
यूकेरियोटिक्स और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाली झिल्ली रहित अंगक है। ऑप्शन एक माइक्रोबॉडी, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राइबोसोम। नेक्स्ट, ऊष्मीय गति का शून्य नियम संबंधित है ऑप्शन एक ऊष्मा से, ऑप्शन बी कार्य से, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा से, ऑप्शन डी तापमान से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तापमान से। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ऑप्शन एक HASO4 H2O, ऑप्शन बी CSO4 1/4 H2O, ऑप्शन सी CSO4 1/3 H2O, ऑप्शन डी CSO4 0.2 H2O। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, CSO4 0.5 H2O। नेक्स्ट, सार्वत्रिक ग्राही रुद्र समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं ऑप्शन ए कोई भी प्रतिजन नहीं और ए व बी प्रतिरक्षी, ऑप्शन बी ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं, ऑप्शन सी ए प्रतिजन और बी प्रतिरक्षी, ऑप्शन सी बी प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ए व बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी प्रतिजन नहीं। नेक्स्ट, शैवाल की कोशिकाओं भित्ति बनी होती है ऑप्शन एक सेलुलोज ग्लूकोटेक्स व मोनोक्स से, ऑप्शन बी सेलुलोज हेमोसेलुलोज व प्रोटीन से, ऑप्शन सी सेलुलोज पेक्टिन वह प्रोटीन से, ऑप्शन डी सेलुलोज पेप्टोग्लाइकन वह पेक्टिन से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेलुलोज ग्लूकेन वह मेनान से। नेक्स्ट, निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु हैं ऑप्शन एक 4GHe, ऑप्शन बी 46GNa, ऑप्शन सी 0.40 GCa, ऑप्शन डी 12GHe। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, 12GHe। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है ऑप्शन एक अमाइलोस, ऑप्शन बी सेलुलोस, ऑप्शन सी अमाइलोपेक्टिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। नेक्स्ट, विरंजक क्रिया में विरंजन चूर्ण में सक्रिय संगठन है ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OCl2, ऑप्शन बी CaO2SCl, ऑप्शन सी CaCl2, ऑप्शन डी CaOCl। तो इसका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, CaO2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन असंपर्क बल नहीं है ऑप्शन एक चुंबकीय बल, ऑप्शन बी स्थिर विद्युत बल, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी घर्षण बल। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, घर्षण बल। नेक्स्ट, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है तथा भक्षणकारी होते हैं वह है ऑप्शन एक बेसोफिल, ऑप्शन बी लसिकाणु, ऑप्शन सी ईओसिनोफिली, ऑप्शन डी एक केंद्राणु मोनोसाइट। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, एक केंद्राणु मोनोसाइट। नेक्स्ट, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ का गलनांक ऑप्शन एक बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी बदलता नहीं है, ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बर्फ़ का गलनांक घटता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है ऑप्शन एक सेलुलोस, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी रियॉन, ऑप्शन डी RNA। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रियॉन। नेक्स्ट, क्वासियोकोर रोग किसकी कमी से होता है ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी लोह यानी आयरन, ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा, प्रोटीन की। नेक्स्ट, जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के घोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है ऑप्शन एक हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन बी नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड।
नेक्स्ट, 2 kg द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा होगी जब उसे धरती पर 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाएगा, और जी बरक जी का मान होता है 10 10 मीटर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 100 जूल। नेक्स्ट, निम्न में से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण को चुनिए। ऑप्शन ए कुष्ठ रोग, ऑप्शन बी क्षय एन टी वी रोग, ऑप्शन डी डिप्थीरिया, ऑप्शन डी टिटनेस, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सभी हैं ये जीवाणु जनित रोग। नेक्स्ट, कमरे के ताप पर निम्न में से किस विद्युत धारा का प्रतिरोध न्यूनतम होता है? ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी लोहा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तांबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक विटामिन सी का स्रोत नहीं है। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी आंवला, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी हरी मिर्च, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, दूध। नेक्स्ट, असंगत का चयन करें। DPT का टीका, ऑप्शन बी डोट्स क्षय रोग, ऑप्शन सी AB+ सर्वदाता, ऑप्शन डी एडेनिल हार्मोन, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत है, बाकी सही है। नेक्स्ट, यदि माता वाहक तथा पिता सामान्य हो तो कितने लड़कों में हीमोफीलिया होगा? ऑप्शन ए 100%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 25%, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 50%। नेक्स्ट, चिकनगुनिया होता है एक अनुवांशिक रोग, ऑप्शन बी अभाव रोग, ऑप्शन 3 रोगजनकीय रोग, ऑप्शन 3 जन्मजात रोग, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 यानी रोगजनकीय रोग। नेक्स्ट, गलत जोड़ी का चयन करें। डेंगू बुखार, थ्रम्बोसाइनोपिनिया सही है, HIV DNA एक वायरस गलत है, वर्णांता लिंग संलग्न रोग ये भी सही है, और पिनियल काई यह अक्रियशील तीसरे नेत्र, हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट, एक संयंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। ऑप्शन एक इन्वर्टर, ऑप्शन बी डायनामो, ऑप्शन 3 दहन इंजन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, डायनामो। नेक्स्ट, 2,4-D होता है एक शाकानाशी, ऑप्शन बी कीटनाशी, ऑप्शन सी टीका, ऑप्शन डी मलेरियानाशी, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शाकानाशी। नेक्स्ट, कथन एक है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह एक दिशा में होता है। कथन भी है खाद्य श्रृंखला की लंबाई सामान्यतः 3 में 4 कोसी स्तर तक सीमित रहती है, तो आंसर कौन सा? दोनों कथन गलत है, ऑप्शन 2 कथन ए सही है तथा बी गलत है, ऑप्शन 3 दोनों कथन सही है, ऑप्शन डी कथन ए गलत है तथा बी सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, मीनामाटा रोग का कारण है। ऑप्शन ए PB, ऑप्शन बी HG, ऑप्शन सी CDN कैडमियम, ऑप्शन डी CFC, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, HG यानी पारा। नेक्स्ट, विश्वव्यापी उष्मता के में मीथेन का योगदान है। ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 20%, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 4 यानी 20%। नेक्स्ट, पेब्रिन निम्न में से किसका एक रोग है? ऑप्शन एक एफिडिस, ऑप्शन बी मुर्गी का, ऑप्शन सी रेशम के कीट का, ऑप्शन डी मधुमक्खी का, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, रेशम के कीट का। नेक्स्ट, असंगत का चयन करें। रानीखेत वायरस जनक संक्रामक रोग है, सही है। करण सिख गाय की नस्ल है, यह भी सही है, और पश्मीना भेड़ की ऊन गलत है, एपिकल्चर मधुमक्खी पालन ये भी सही है, हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही है। मलेरिया से संबंधित नहीं है। ऑप्शन एक एडिज मच्छर, ऑप्शन बी प्लाज्मेडियम, ऑप्शन सी सिनकोना वृक्ष, ऑप्शन डी गैम्बूसिया मछली, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, एडिज मच्छर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भोजन तथा जल वहित रोग है। ऑप्शन एक धनुषवाही, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी पेचिस एमीपता, तो इसका ऑप्शन नंबर
तीन सही आंसर हो जाएगा, यानी हैजा और पेचिस। नेक्स्ट, प्रोपेन की आणविक सूत्र C3H8 में होते हैं। ऑप्शन एक 9 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन बी 10 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन सी 8 सहसंयोजक बंध, ऑप्शन डी 11 सहसंयोजक बंध। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बी 10 सहसंयोजक बंध। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है। ऑप्शन एक सौर मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन तीन आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, समताप मंडल। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अधातु है। ऑप्शन ए गैलेनियम, ऑप्शन बी एडियम, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी नाइट्रोजन गैस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है। ऑप्शन एक मोजिला फायरबॉक्स, ऑप्शन बी ओपेरा, ऑप्शन डी गूगल क्रोम, ऑप्शन डी याहू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, याहू एक सर्च इंजन है, न कि वेब ब्राउजर। नेक्स्ट, शरीर का कौन सा अंग जिसमें विटामिन डी का संश्लेषण होता है। ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी थाइमस, ऑप्शन डी एडेनिल। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, त्वचा में। नेक्स्ट, हमारे घरों में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदलती रहती है। ऑप्शन ए प्रत्येक 1/100 सेकेंड में, ऑप्शन बी प्रत्येक 100 सेकेंड में, ऑप्शन बी ऑप्शन सी प्रत्येक 1/50 सेकेंड में, ऑप्शन डी प्रत्येक 50 सेकेंड में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रत्येक 1/100 सेकेंड में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। ऑप्शन ए जिंक तथा सेलेनियम, ऑप्शन बी विटामिन ए तथा विटामिन ई, ऑप्शन सी लोहा तथा आयोडीन, ऑप्शन डी लाइकोपेनी तथा ल्यूटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, लोहा तथा आयोडीन। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विषय में निम्न में से एक तथ्य सही नहीं है। ऑप्शन ए वे यह वाष्पशील कार्बन यौगिक है, सही है। इसे फ्रियोन भी कहा जाता है, यह भी सही है। यह वायुमंडल में ओजोन की परत की सुरक्षा करता है, यह गलत है। इनका उपयोग शीतलता उद्योग में होता है, यह भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से एक आनुवंशिक रोग नहीं है। ऑप्शन एक हीमोफीलिया, ऑप्शन दो हाइपरट्रोनिक्स, ऑप्शन बी मस्तिष्क ज्वर, ऑप्शन डी थैलेसीमिया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी सी मस्तिष्क ज्वर।